हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के हाबन क्षेत्र का बेटा प्रवीण शर्मा मात्र 26 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान हो गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए प्रवीण शर्मा ने ऑपरेशन रक्षक के तहत अपनी आखिरी सांस ली। शहीद प्रवीण का जन्म राजगढ़ क्षेत्र के हाबन के पालू गांव में हुआ था, जहां की मिट्टी से खेलते हुए उन्होंने देश सेवा का सपना देखा था। गांव की तंग गलियों में दौड़ने वाला बच्चा एक दिन सीमाओं पर देश की रक्षा करेगा और इस तरह देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देगा, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन प्रवीण ने न केवल ये सपना देखा बल्कि उसे सच कर दिखाया। लेकिन आज अब वह हमारे बीच नहीं रहा। शहीद प्रवीण की शहादत की खबर जब उनके परिवार को मिली तो हर कोई स्तब्ध रह गया। उनकी माँ रेखा शर्मा और पिता राजेश शर्मा को जैसे ही अपने इकलौते लाल की शहादत की सूचना मिली तो मानो उनका संसार ही उजड़ गया। जिस बेटे को उन्होंने इतने प्यार और उम्मीदों के साथ पाला था वो अब तिरंगे में लिपटा हुआ घर लौटेगा। पूरा देश प्रवीण शर्मा के बलिदान को सलाम कर रहा है। उनकी पार्थिव देह को ऑपरेशन क्षेत्र से लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही वो चंडीगढ़ पहुंचाई जाएगी, जहां से उन्हें उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। नाहन के स्टेशन हेडक्वार्टर को शहीद के अंतिम संस्कार के लिए निर्देश दिए गए हैं और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर सैनिक कल्याण बोर्ड के उपनिदेशक रिटायर्ड मेजर दीपक धवन ने कहा कि जवान की शहादत का संदेश मिला है, परिवार को सूचना सेना ने दे दी थी। जय हिंद। बड़े ही दुख के साथ और स्टेशन हेडक्वार्टर नाहन द्वारा मिली हुई जानकारी के दौरान यह पता चला है कि लांस नायक प्रवीण शर्मा, जो कि वन पैरा स्पेशल फोर्स में कार्यरत थे, कल 10 अगस्त 2024 को अनंतनाग J&K में ऑपरेशन रक्षक के दौरान चल रहे एक ऑपरेशन में वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। लांस नायक प्रवीण शर्मा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश के हब्बन गांव राजगढ़ से ताल्लुक रखते थे। यह पीछे अपने पिता श्री राजेश शर्मा और माता श्रीमती रेखा देवी को छोड़ गए हैं। लांस नायक प्रवीण शर्मा की उम्र करीबन 26-27 साल की थी। इस सूचना के मिलते ही उनका पैतृक गांव पूरा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही शोक की लहर से गूंज रहा है। अभी उनका पार्थिव शरीर जो है J&K में ऑपरेशनल एरिया में ही है और अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि उनका पार्थिव शरीर कब और किस जगह पर बाई एयर या बाई रोड लाया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार J&K में उनकी यूनिट के सैनिकों से लगातार संपर्क में रहें ताकि पार्थिव शरीर को लाने में, जैसे मॉर्टल रिमेन्स को लाने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए और उनका पंच तत्वों में मिलीन उनको पूरे सैन्य और राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच। जानकारी के मुताबिक अनंतनाग के गड़ोल में आतंकियों ने पहले सेना पर ग्रेनेड फेंका और फिर गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में घायल हुए अन्य 4 जवानों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। भारतीय सुरक्षा बलों ने तमाम रास्ते बंद कर उन्हें मार गिराने का अभियान तेज कर दिया। बताया यह भी जा रहा है कि यह वही आतंकी दल है जो डोडा में सैन्य दल पर हमला कर भागा था।